छत्तीसगढ़ में पत्रकार के साथ हुई मारपीट के खिलाफ पत्रकार एकजुट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के पत्रकारों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांकेर में पत्रकार कमल शुक्ला के साथ मारपीट की गई थी। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का है। यहां पत्रकार कमल शुक्ला के साथ कांग्रेसी नेता दबंगों के द्वारा मारपीट की गई थी। हमलावरों पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पत्रकारों में गहरा रोष है और पत्रकार एकजुट हो गए हैं। प्रदेश के सभी पत्रकारों के द्वारा रायपुर में 2 अक्टूबर को भी धरना प्रदर्शन किया गया था। बताते चले कि आज शुक्रवार को भी अंबिकापुर गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन जारी है। पत्रकारों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, हमलावरों पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने, इसमें संलिप्त जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर भी कार्यवाही करने की मांग उठाई है। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश साथी पत्रकार साथी रुष्ट है उस हमले से, और हम सबसे पहले तो हमारी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए और भाई पत्रकार जो हमारे कमल शुक्ला जी हैं उनके ऊपर हमलावरों के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप प्रदेश भर में हो रहे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे सरकार किसी की भी हो, नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। आज जिले या संभाग मुख्यालय में जो पत्रकार हैं सिर्फ उन्हीं को पत्रकार बोला या माना जाता है। ग्रामीण अंचलों से आए हुए यहाँ पे दर्जनों संख्या में जो पत्रकार हैं उन्हें किस नज़रिए से आप देखते हैं? पत्रकार सुरक्षा कानून दरअसल उन्हीं के लिए है, जो हमेशा मंत्री नेताओं के बीच में एसी के चैम्बर में बैठ करके पत्रकारिता करते हैं। दरअसल इनके लिए पत्रकारिता नहीं है, ग्राउंड स्तर की रिपोर्टिंग जो करता है और रिपोर्टिंग करते वक्त दुर्व्यवहार का सामना करता है, उसके वजह से ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, ताकि कल के डेट में कोई और कमल शुक्ला जैसे लोग, मतलब कमल शुक्ला जैसा कोई शिकार ना हो। देखिए, मांगे प्रमुख रूप से अभी दो ही हैं हमारी। पहला, कमल शुक्ला पे हुए हमलावरों के ऊपर 307 का मुकदमा चलाया जाए और उनको उनकी गिरफ्तारी की जाए। दूसरा, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। जो कमल शुक्ला के साथ वहाँ के दबंगों ने जो मारपीट किया था, उनसे किसी तरह की कार्रवाई किया गया? कोई भी कार्रवाई आज दिन तक नहीं हुई है, यदि होती तो यह धरना प्रदर्शन नहीं होता। धरना प्रदर्शन करने का मेन मकसद ये है कि हम पत्रकारों पर जो हमला हो रहा है ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि न संभले तो मिट जाओगे है कलम के सिपाही हो, न संभले तो मिट जाओगे है कलम के सिपाही हो, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। इसीलिए कमल शुक्ला जी के साथ जो हमला हुआ उस हमले से हम सारे पत्रकारों के इबरत लेने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है कि आइंदा किसी और पत्रकार भाइयों के साथ इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हम लोगों को जाग जाना चाहिए, हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है हमारी कि आप पत्रकार सुरक्षा लागू करो, और जो उन पर हमला हुआ है, जो घटने में संलिप्त हो गए हैं, उनके खिलाफ संतोषजनक कार्रवाई आती है। हम सबको संतोषजनक कार्रवाई की मांग करते हैं। आईने में ऐसा साफ है कि पुलिस की मौन स्वीकृति उन अपराधियों के साथ, अगर पुलिस चाह जाती पुलिस के उपस्थिति में एक पत्रकार के ऊपर क्या, एक आम आदमी के ऊपर भी आमना नहीं होगा। पुलिस सुरक्षा का वादा करता है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, अब पुलिस थाने में पत्रकारों के ऊपर जो हमला हो जाए तो फिर आम आदमी सुरक्षित कैसे? जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, कार्रवाई है, उस कार्रवाई से पत्रकार
भाई लोग जो है अनिश्चितकालीन है, जब तक संशोधनात्मक कार्रवाई नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर हम लोग बैठे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.